पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने नवादा में शराब पीने से हुई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है, इसके बावजूद शराब माफिया धड़ल्ले से शराब की तस्करी कर रहे हैं और जिसका सेवन करने से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी को लेकर भी सख्त है। और शराबबंदी में सख्ती भी की जा रही है, जिसके कारण जहां तहां शराब माफिया नकली शराब बनाकर बेच रहे हैं और उसके सेवन से लगभग प्रतिदिन। पिछले दिनों जहरीली शराब से हुई मौतों पर जिले के डीएम और एसपी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने शराब से हुई मौतों का खंडन करते हुए कहा कि मरने वाले सभी बीमारी से पीड़ित थे। दरअसल होली के दौरान जिले के करगहर तथा कोचस थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जिसका प्रशासन ने खंडन किया। साथ ही डीएम ने कहा कि इस तरह के अफवाह वाले खबरों से बचने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर प्रशासन की जमकर किरकिरी भी हुई है। सबका स्टेटमेंट भी लिया गया है और सभी का डेथ का डेट अलग है, आपस में उन लोग का दूरी देखा जाए दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है और कहीं भी मतलब एक साथ बैठने का भी साक्ष नहीं है। इसके साथ साथ देखा जाए उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्हीं का स्टेटमेंट है कि उनके उनको संबंधित को एकाध सप्ताह से रोक था, इलाज हो रहा था, डॉक्टर को भी दिखाया गया है। तो ऐसी स्थिति में अफवाहें हैं और हम लोगों ने अफवाहों का अच्छे से जानकारी के साथ। शिमला में नाबालिग युवती के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। मामला सिसई थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग युवती 4 साल से अपने मौसी के घर कुदरा में रहकर पढ़ाई करती थी और होली में गांव आई थी, लेकिन बुधवार की शाम घर लौटने के क्रम में पीड़ित को आरोपी सरफराज अंसारी नाम के युवक ने अपने मोटरसाइकिल पर बहला फुसला कर इधर उधर घुमाने के बाद सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी सरफराज को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। मुझे सूचना मिली कि किसी 15 साल की बच्ची के साथ किसी ने गलत किया है, उसके बाद से ही हमने सघन छापामारी करते हुए दोषी को पकड़कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया गया है। निकल करवा करके एक शोहर का बयान भी करवाने के लिए हम लोग भेज दिए। लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर किसी भी